नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु शेरावत और आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। इंडिया की फर्स्ट बुक अ गाइड टू लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग अब अवेलेबल है, जिसे आप खरीद सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे आप उसे कहां से खरीद सकते हैं और उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं और थोड़ी सी मेरी कहानी कि मुझे कितना टाइम लगा ये बुक लिखने में और मैंने क्यों लिखी। स्टार्ट करते हैं मेरी कहानी से। मैंने 2.5 साल लगाए इस किताब को लिखने में, जो कि बहुत ज़्यादा कीमती थे। मैंने 2018 में कंपनी शुरू की थी और उस कंपनी को बचाने के लिए सिर्फ हमारे पास एक ऑप्शन था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उस टाइम पे मैं कैप्रोडो के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हेड हुआ करता था, तो मैंने सारी चीज़ें जो भी मैं सीखता था उसे कैटलॉग करना मैंने शुरू किया। कुछ बड़े लोग जो इंडस्ट्री में आज बहुत हाई पोस्ट पे हैं, उन्होंने उस टाइम पे कहा था कि इट्स इम्पॉसिबल, भारत की पहली किताब लिखनी मूर्खता है, कोई नहीं पढ़ेगा, कोई इंस्टीट्यूट लगाने की ज़रूरत नहीं है। पर मुझे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे पता था कि इस इंडस्ट्री को अगर हमें ऑर्गेनाइज बनाना है, नंबर वन, अगर इस इंडस्ट्री में हमें पैसा कमाना है, नंबर दो, और नंबर तीन, अगर इस इंडस्ट्री में हमें सक्सेसफुल होना है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, और वो रास्ता था नॉलेज का। तो मैंने बुक लिखनी शुरू की और आयुष खान जी, जो कि साइट्स केमिकल के हेड हैं, उन्होंने मेरी बहुत मदद की इस बुक को लिखने में। देखो गाइज, सिर्फ उन्होंने भी नहीं, बहुत सारे लोग थे इस इंडस्ट्री के अंदर जिन्होंने मेरी मदद की है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये बुक लिखने में। तो चलिए देखते हैं कि ये बुक आप कहां से खरीद सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, उसमें B2B के स्लैब में बाय बुक के नाम से हमारा स्लैब है, आप उसमें पे कर सकते हैं। पेमेंट होने के कुछ देर बाद ये आपके फोन में या लैपटॉप में ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी, उसे आप प्रिंट भी कर सकते हैं और आराम से पढ़ भी सकते हैं। तो जानते हैं कि इस बुक में मैंने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं और आपके लिए क्या है इसमें सीखने के लिए। तो एक सीक्रेट मैं पहले ही बता दूं कि मैंने इसमें ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है जो पिछले 5 साल में मैंने सीखा हो और मैंने इसमें जो है ना डाला हो। तो जो इसका फर्स्ट टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन। उसमें मैंने बताया है हिस्ट्री, स्कोप और वॉशिंग साइकिल के बारे में। इसमें मैंने कंप्लीट डिटेल दी है। जो इसका सेकेंड टॉपिक है वो है द क्विक गाइड टू मशीन्स। इसके अंदर मैंने प्री स्पॉटिंग, क्लीनिंग, फिनिशिंग और पैकेजिंग मशीन के बारे में बताया है। इसमें आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी मशीन्स के बारे में। जितनी मशीन्स एक रिटेल लॉन्ड्री में इस्तेमाल होती हैं, ड्राई क्लीनिंग में इस्तेमाल होती हैं, उन सब का विवरण अच्छे से मैंने इसमें किया हुआ है। जो इसका तीसरा टॉपिक है वो है अ क्विक गाइड टू फैब्रिक एंड स्पॉटिंग। इसके अंदर मैंने 4 चैप्टर्स लिखे हैं, जिसमें मैंने फैब्रिक के बारे में, केमिकल के बारे में, अंडरस्टैंडिंग स्टेन्स के बारे में और सिंबल्स के बारे में बात की है। गाइज, ये टॉपिक शायद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस इंडस्ट्री के लिए। चौथा टॉपिक जो मैंने कवर किया है वो है ड्राई क्लीनिंग, जिसके अंदर आते हैं 12 चैप्टर्स। ये 12 चैप्टर्स जो हैं वो है सॉर्टिंग, कि आप कैसे सॉर्ट कर सकते हो अपना कपड़ा व्हेन यू आर ड्राई क्लीनिंग। प्री स्पॉटिंग ड्राई क्लीनिंग में कैसे होती है, ड्राई क्लीनिंग की साइकिल क्या होती है और कैसे आप उसको बना सकते हैं, सॉल्वेंट जो ड्राई क्लीनिंग में इस्तेमाल होते हैं, टाइम और ड्यूरेशन, इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है टेम्परेचर आपके हाइड्रोकार्बन या पर्क का, उसके अलावा बाथ साइकिल कैसी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, ड्राई क्लीनिंग स्टेप्स विद डायग्राम। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जिसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहूँगा मिस्टर अब्दुल को। उसके बाद हमारी बात होती है इसमें सॉल्वेंट की और उन सॉल्वेंट्स के हम ध्यान कैसे रख सकते हैं इट्स केयर के बारे में, ड्राई क्लीनिंग मशीन्स एंड इट्स मेंटेनेंस, और उसके बाद ड्राई क्लीनिंग मशीन रिक्वायरमेंट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। इसके बाद दोस्तों जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें हम बात करते हैं लॉन्ड्री की, और लॉन्ड्री में टोटल मैंने 10 सब चैप्टर्स कवर किए हैं, जिसमें OPL और रिटेल लॉन्ड्री क्या होती है, सिनर साइकिल जो कि प्रिंसिपल है वॉशिंग का उसके बारे में, उसके बाद लॉन्ड्री का वर्कफ्लो OPL में और रिटेल में कैसे चलता है, रोल ऑफ pH मींस पावर ऑफ हाइड्रोजन केमिकल्स में क्या रोल प्ले करता है, क्लीनिंग मैकेनिज्म क्या है, लॉन्ड्री के केमिकल्स, बेसिक वॉश साइकिल,
लिनिन और गारमेंट की सॉर्टिंग कैसे होती है, लॉन्ड्री इक्विपमेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व पार्ट एंड मेंटेनेंस कैसे उनको देखते हैं, और फैक्टर अफेक्टिंग द लोड ऑफ क्वालिटी, मतलब वो क्या चीज है जो आपके धोने की क्वालिटी को मैटर करता है। इसके बाद छठे चैप्टर में मैंने बात की है वेट क्लीनिंग के बारे में। आने वाले टाइम में वेट क्लीनिंग की मेरी डिटेल में वीडियो आएंगी। वेट क्लीनिंग इंडिया के लिए एक नया कंसेप्ट है, हुआ तो था स्टार्ट यूरोप में, लेकिन हमने जो इंडिया में अडॉप्ट किया वो एक्चुअल वेट क्लीनिंग नहीं है, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है कपड़ों की। तो इसमें कम्प्लीटली डेफिनेशन, प्रिकॉशंस, प्रोसेस, पिलर्स ऑफ वेट क्लीनिंग और पैपी वॉश जो मैंने प्रोग्राम बनाया है। जी हाँ दोस्तों, मैंने बुक लिखने के अलावा एक प्रोग्राम भी बनाया है जिसके ऊपर आने वाले टाइम में और भी वीडियो आएंगी, जिसका नाम है पैपी वॉश प्रोग्राम। तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा जितने भी प्रोग्रामेबल मशीन्स इंडिया में यूज होती हैं उनके लिए। इसके बाद हमने बात की है डीप क्लीनिंग की, जिसमें हमने तीन टॉपिक्स कवर किए हैं, सोफा, कारपेट और आपके शूज। जिस शूज में आपके स्पोर्ट शूज और लेदर शूज के बारे में मैंने डिटेल में इसमें बताया है कि हम उनको कैसे कर सकते हैं। और लास्ट में अगर आपका बहुत बड़ा प्लांट है या आप रिटेल सेक्टर में हैं तो मैनेजमेंट एंड केयर, उसमें मैंने तीन टॉपिक्स कवर किए हैं, SOPs जो से हम स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर बोलते हैं, मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग, और लास्ट में मैंने कवर किए हैं कस्टमर केयर में। दोस्तों, इस किताब को लिखने में जितनी मेहनत लगी थी ये पढ़ने में उतनी ही आसान है। ये किताब आप ज़रूर पढ़ें, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं उस सभी चीज़ के जवाब आपको दूंगा। तो थैंक यू गाइज सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज हिमांशु सहरावत साइनिंग ऑफ, एंड प्लीज डू बाय द बुक एंड सब्सक्राइब द चैनल।